हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज किंग। भाई भारत और श्रीलंका के बीच जो दूसरा वनडे रहा वो तो भारत ने बहुत ही शानदार अंदाज में अपने नाम कर लिया। दीपक चार ने मैच जिताऊ पारी जो है बिल्कुल टीम के लिए खेली, लेकिन एक बड़ा खुलासा उनके पिता ने जो है दीपक चार पे कर दिया है। आईपीएल को लेके एक बड़ा खुलासा उनके पिता ने किया है। बताएंगे आपको कि किस तरीके से राहुल चहर और दीपक चहर के बीच में जो ऑक्शन को लेके एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिला था, क्या थी वो वजह और ऐसी क्या गलती दीपक चहर ने जो है ऑक्शन के वक्त करी थी। उससे पहले स्पोर्ट्स टाइगर को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि दीपक चहर के पिता यानी कि लोकेंद्र चहर ने दीपक चहर को लेकर क्या खुलासा किया है। दरअसल ये जो वाक्य हम आपको बताने वाले हैं ये आईपीएल ऑक्शन का है, जहाँ पर राहुल चहर और दीपक चहर जो है उनकी बोली लगनी थी, जिसमें राहुल चहर जो है गेंदबाजी सेक्शन में थे। यानी कि जब ऑक्शन होता है तो उसमें बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर्स का जो स्लैब रहता है उसके अंदर राहुल चहर जो है वो प्रॉपर बॉलर्स का जो कैटेगरी थी उसमें थे, और वहीं दीपक चहर जो है वो ऑलराउंडर सेक्शन में थे। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि भले ही दीपक ने जो है बल्ले से काफ़ी रन बनाए हों, एक तरीके से ऑलराउंडर के शैली में उन्हें देखा जाता हो, लेकिन एक गलती ऑलराउंडर के स्लॉट को लेके कैसे दीपक चहर ने करी इसके बारे में आपको बताते हैं। दरअसल राहुल चहर जो है वो बिक जाते हैं 1.9 करोड़ में, यानी कि जो वैल्यू थी उनकी वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें उससे जो है उससे पैसा मिलता है। वहीं दीपक चहर जो हैं उनकी जो वैल्यू लगाई जाती है वो 80 लाख रुपये होती है। देखिए राहुल चहर जो कि 1.9 करोड़ में बिके हैं, वहीं दीपक चहर जो कि 80 लाख में बिके हैं। तो इसको लेकर लोकेंद्र चहर ने यह बोला कि दीपक चहर से ये बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने अपना नाम बॉलर सेक्शन में नहीं दिया, और ऑलराउंडर का जब तक वो स्लॉट आया तब तक जो टीम्स थी वो अपना ज़्यादातर पैसा जो है वो खिलाड़ियों में इन्वेस्ट कर चुकी थी, और ऐसे में दीपक चहर जो कि ऑलराउंडर सेक्शन में थे उनके लिए मात्र 80 लाख की जो है बोली लग पाई। और ये एक बड़ी गलती जो है लोकेंद्र चहर ने कहा है, क्योंकि उन्होंने साफ किया कि अगर दीपक चहर जो हैं बॉलिंग के जो स्लैब था उसमें होते तो उनकी बोली भी जो है 2 करोड़ तक बिल्कुल लगती, जैसे कि राहुल चहर के लगी थी। तो इसको लेके जो है लगातार सोशल मीडिया पे चर्चा बनी हुई है कि किस तरीके से जो है दीपक चहर एक अच्छे खासे अमाउंट पे बिक सकते थे, लेकिन एक गलती जो है उनसे ये हो गई कि उन्होंने अपना नाम जो है जो ड्राफ्ट था ऑक्शन का उसमें ऑलराउंडर्स की श्रेणी में जो है वो नाम उन्होंने दे दिया। अगर वो गेंदबाजी में दे देते तो शायद 2, 4, 5 करोड़ आप जितना भी आप सोच सकते हैं दीपक चहर के लिए उसमें बिकते। ये बड़ा खुलासा उनके पिता ने किया है जो कि हमने आपके साथ साझा किया है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए।